हेलो दोस्तों, आप सभी को माँ की रसोई में स्वागत है। फ्रेंड, आज बनाएंगे हम एकदम मज़ेदार बर्फी दोस्तों, बिगर दूध और बिगर खोवे की। दोस्तों, अगर आप सभी का बजट कम है और आप बहुत टेस्टी सी मिठाई बनाना चाहते हो तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर देखना, आपको काफ़ी पसंद आने वाली है और ये ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता, 10 मिनट में बन के बिल्कुल तैयार हो जाती है। आप सभी को समझ में ही आ रहा होगा मैं बर्फियों को निकाल रही हूँ तो कितनी मज़ेदार बन के तैयार हुई है। सबसे पहले लेंगे एक कांच का बाउल, उसमें डाल देंगे हम 1.5 कटोरी करीब मिल्क पाउडर। आज बनाएंगे हम मिल्क पाउडर से बर्फी। 1.5 कटोरी मिल्क पाउडर लिया तो मैं इसमें 1 कटोरी छोटी मेल्ट वाला घी लूँगी, जमा वाला बिल्कुल नहीं लेना। हमें क्या करना है, जो पिघला वाला घी होता है वो यूज़ करना है इसमें, और गर्म नहीं, ठंडा वाला। अब इसको बढ़िया से मिल्क पाउडर और घी को मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो मिक्स करने से क्या होता है, मिल्क पाउडर में घी, वो बर्फ़ी बहुत अच्छे से खस्ता और बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होगी। गैस पे रखेंगे फ्राईदान, उसमें डाल देंगे 1 कटोरी चीनी, 1/2 कटोरी पानी और इनको बढ़िया से मेल्ट होने देते हैं। इस तरीके से लगातार चलाएंगे चीनी और पानी को तो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। ये काफ़ी हद तक चीनी और पानी घुल चुका है तो इसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर। आप चाहो तो इसमें कोई फूड कलर भी डाल सकते हो, उससे क्या होगा हमारी बर्फी का कलर बहुत अच्छा सा आएगा। अब क्या करेंगे, ये मैं इसको उंगली से चेक करूँगी कि ये मोटी तार की चाशनी बन रही है या नहीं बन रही, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, इस तरीके की हमें चाशनी चाहिए। और इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर, गैस को कर देंगे बंद। मिल्क पाउडर डाल के गैस को कर देना है बंद और इसको मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। मिल्क पाउडर की बर्फी बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड, पता भी नहीं चलता कि ये मिल्क पाउडर से बनी होती है। इसमें खोए जैसा टेस्ट आता है। आप चाहो तो इसमें गोले का बुरादा भी डाल सकते हो, उससे भी हमारी मिठाई में काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अब गैस को कर देंगे हम चालू और इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एकदम क्रीमी जैसा दिखने लगेगा फ्रेंड, देखो बिल्कुल फ्राईदान छोड़ने लगता है, देखो क्रीमी बन के तैयार हो गया है इस तरीके का। गैस को कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इस तरीके की कोई भी थाली लेंगे छोटी वाली, इस पर घी लगा लेंगे अच्छे से, तो उससे क्या होगा हमारी बर्फी बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी। घी लगाने के बाद क्या करेंगे, जो मिल्क पाउडर का हमने बैटर बना के रखा था उसको इसमें डाल देंगे। डाल देने के बाद क्या करेंगे, इसको बढ़िया से सेट कर लेंगे थाली के ऊपर। आप चाहो तो जो बर्फी ट्रे होती है उसमें भी आप जमा सकते हो, मगर मैं आज आप सभी को थाली में जमा के दिखाऊंगी, बहुत बढ़िया से निकल के तैयार होती है। इस तरीके से इसको बढ़िया से फैला देते हैं चारों तरफ। ये बिल्कुल कम बजट में बन के तैयार हो जाती है फ्रेंड, और खाने में तो बहुत मज़ेदार लगती है। अब ये बढ़िया से मैंने सेट कर दिया, अब इसमें डाल देंगे हम कटे हुए बादाम। आप चाहो तो इसमें वो भी डाल सकते हो पिस्ता, पिस्ता से भी बहुत अच्छा कलर आएगा बर्फी में, दिखने में सुंदर बहुत अच्छी लगेगी। अब इसको दबा दूँगी। दबाने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड, इसको क्या करेंगे हम, ज़्यादा नहीं बस 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दस मिनट हो चुके हैं फ्रेंड, तो बर्फी हमारी जमकी हो गई है सेट। अब क्या करेंगे, अब इनको हम मनचाहे शेप में काट लेते हैं। देखो मैं काटने से ही आप सभी को पता चल रहा है कि हमारी बर्फी कितने
बढ़िया से सेट हुई है। इस तरीके से हम काट लेते हैं। ये मैंने बर्फी को काट लिया, अब मैं आप सभी को निकाल के दिखा रही हूँ। देखो कितने बढ़िया से निकल रहे हैं पीस। फ्रेंड, मैं आप सभी को याद दिला दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें, और आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये बर्फी मैंने काट लिया, अब मैं एक ट्रे में, ट्रे कह लो या प्लेट कह लो, उसमें लगा के तैयार कर लेती हूँ और तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट बर्फी बन के तैयार हुई है।